शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए समझते हैं कल 30 नवंबर 2023 कैसा बीतेगा मेष से लेकर मीन लग्न वाले जातकों का। और सबसे पहले पंचांग के बारे में बात करते हैं। कल गुरुवार का दिन रहेगा, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि रहने वाली है जो कि 2:25 दोपहर तक रहेगी। उसके बाद चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। नक्षत्र आद्रा रहेगा 3:01 दोपहर तक, उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। आद्रा नक्षत्र के जो स्वामी बनते हैं राहु और पुनर्वसु नक्षत्र के स्वामी देवगुरु बृहस्पति बनते हैं। शुभ योग 8:14 रात्रि तक रहेगा, उसके बाद शुक्ल योग का प्रारंभ हो जाएगा। विष्टिकरण 2:25 दोपहर तक रहेगा, उसके बाद रात्रि 2:53 तक बवकरण प्रारंभ रहेगा। कल चंद्रमा पूरे दिन मिथुन राशि में रहेंगे, तो आइए समझते हैं प्रत्येक लग्न पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रारंभ करते हैं मेष लग्न से। देखिए कल के दिन स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, परिवार में रिश्ते पहले से ज्यादा मजबूत होंगे। आपके खर्च कल बढ़ सकते हैं और जीवन साथी को लेकर चिंतित भी हो सकते हैं। आर्थिक रूप से जो परेशानी है वो आपकी बढ़ेगी। कार्य व्यवसाय में हालांकि सफलता के योग मिलेंगे। प्रेम में प्रसंग में मजबूती भी आएगी और सामाजिक प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी भी होता हुआ दिख रहा है। ट्रांजेक्शन करते समय आपको बहुत सावधानी बरतनी चाहिए और कुल मिलाकर 78% तक का समय आपके लिए अच्छा है। कल का शुभ अंक 1 और शुभ रंग हरा बन रहा है। उपाय के लिए गणेश जी की अगर कल के दिन आराधना करते हैं तो दिन आपके लिए अच्छा ही बीतेगा। वृष लग्न की बात करते हैं। देखिए कल के दिन स्वास्थ्य पर आपको विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। पारिवारिक जीवन में सुख शांति हालांकि बनी रहेगी। किसी कार्य को लेकर अकस्मात खर्चे जो रहेंगे वो बढ़ेंगे और कार्य व्यवसाय के लिए कल का दिन अच्छा रहेगा। नौकरी में आगे बढ़ने के नए अवसर भी मिलेंगे और निवेश के लिए कल का दिन अति उत्तम है। कुल मिलाकर 85% तक का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ अंक 8 और शुभ रंग सफेद बन रहा है। उपाय के लिए अपने इष्ट देव की अगर आप आराधना करते हैं तो दिन श्रेष्ठ बनेगा। मिथुन लग्न की बात करते हैं। देखिए कल का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। स्वास्थ्य को लेकर आप सचेत रहना पड़ेगा आपको और व्यापार में लाभ मिलने की संभावना दिख रही है। जीवन साथी का साथ मिलेगा, परिवार में मांगलिक कार्यक्रमों का आयोजन हो सकता है और पैतृक संपत्ति का भी लाभ आपको मिल सकता है। प्रेम प्रसंग में हालांकि मजबूती आएगी, शिक्षा क्षेत्र में सफलता मिलेगी। 82% तक का दिन अच्छा दिखाई दे रहा है। शुभ अंक 7 और शुभ रंग स्लेटी बन रहा है। उपाय के लिए बुध के बीज मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो दिन अच्छा बीतेगा। कर्क लग्न की बात करते हैं। देखिए कल का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर चिंताओं से मुक्त रहिएगा। समाज में मान पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। नई संपत्ति खरीदने का विचार कर सकते हैं कल के दिन और पारिवारिक जीवन में सभी का सहयोग भी आपको मिलेगा। नया व्यापार आरंभ करने के लिए समय आपके लिए कल का ठीक है। जीवन साथी से अपने मन की बात आप कह भी सकते हैं। शिक्षा क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे। प्रेम प्रसंग को लेकर किसी प्रकार का मतभेद उत्पन्न हो सकता है। आध्यात्मिक क्षेत्रों में रुझान बढ़ेगा। 86% तक का दिन फिर भी आपके लिए अच्छा है। शुभ अंक 5, शुभ रंग केसरिया बन रहा है। उपाय के लिए माँ दुर्गा के चरणों में लाल पुष्प अगर आप अर्पित करते हैं दिन अच्छा बीतेगा। सिंह लग्न की बात करते हैं। देखिए कल का दिन आपके लिए सामान्य बीतेगा। स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां हो सकती है और परिवार में विवाद हो सकता है। व्यापार में लाभ मिलेगा और जीवन साथी से शुभ समाचार भी सुनने को मिलेगा। नौकरी के कुछ मुश्किलों के बाद आपको लाभ भी मिलेगा और व्यर्थ के खर्चों से मन जो रहेगा थोड़ा चिंतित भी रहेगा। कल ओवरऑल 78% तक का दिन अच्छा दिख रहा है। शुभ अंक 4, शुभ रंग नीला बन रहा है। उपाय के लिए गरीबों की ही कल सहायता कीजिए, दिन अच्छा बीतेगा। कन्या लग्न की बात करते हैं।
देखिए, कल किसी बात को लेकर मानसिक तनाव हो सकता है और स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहना चाहिए। परिवार में किसी बात को लेकर वाद विवाद हो सकता है। कार्य व्यवसाय में आपके कार्य से सभी लोग प्रसन्न भी रहेंगे। जीवन साथी आपके व्यवहार से प्रभावित होंगे और प्रेम प्रसंग को लेकर हालांकि आपकी चिंताएं थोड़ी बढ़ेंगी। आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव लगा रहेगा। धन संचय करने के लिए आपको अधिक मेहनत करना पड़ सकता है। कल कुल मिलाकर 78% तक का समय आपके लिए अच्छा है। कल का शुभ अंक 9 और शुभ रंग पीला बनेगा। उपाय के लिए चंदन का तिलक लगाइए। दिन आपके लिए अच्छा बीतने वाला है। तुला लग्न की बात करते हैं। देखिए, स्वास्थ्य संबंधित कल कुछ परेशानियां उत्पन्न हो सकती है और परिवार में भी मनमुटाव रहेगा। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। व्यर्थ के खर्चों पर नियंत्रण रखना चाहिए। नौकरी में पदोन्नति की संभावना भी बन रही है। सहकर्मियों से कल के दिन वाद विवाद होने की संभावना बन रही है। कुल मिलाकर 75% तक का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। कल का शुभ अंक 5 और शुभ रंग गुलाबी बन रहा है। उपाय के लिए गायत्री मंत्र का 108 बार अगर आप जाप करते हैं तो दिन आपके लिए अच्छा बीतेगा। वृश्चिक लग्न की बात करते हैं। देखिए, स्वास्थ्य को लेकर परेशानियां बढ़ सकती हैं। कार्य व्यवसाय में वरिष्ठ लोगों का सहयोग मिलेगा। परिवार के साथ लंबी दूरी पर यात्रा का योग बना सकते हैं, यात्रा पर जा सकते हैं। प्रेम प्रसंगों में रिश्तों में आपकी प्रगाढ़ता बढ़ेगी। गुप्त शत्रु हालांकि कल के दिन हावी रहेंगे। आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना चाहिए। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। निवेश के लिए कल का दिन अच्छा है। कल का ओवरऑल दिन 82% तक आपके लिए अच्छा रहेगा। कल का शुभ अंक 3, शुभ रंग भूरा बन रहा है। उपाय के लिए 5 प्रकार के अनाज को मिलाकर पक्षियों को खिलाइए। दिन अच्छा बीतेगा। धनु लग्न की बात करते हैं। देखिए, आपका स्वास्थ्य कल बहुत अच्छा रहेगा। आर्थिक स्थिति में कुछ मुश्किलों के बाद सफलता मिलेगी। परिवार में वाद विवाद की स्थिति भी बन सकती है। जीवन साथी को लेकर कोई आप बड़ा निर्णय भी ले सकते हैं। कार्य व्यवसाय में लाभ की स्थिति प्राप्त होगी। सहकर्मियों के साथ किसी बात को लेकर मन मुटाव हो सकता है। नए निवेश में लाभ की स्थिति रहेगी और लंबे समय से किसी प्रकार की परेशानी चल रही थी तो उसका अंत होगा। 80% तक का दिन आपके लिए अच्छा है। शुभ अंक 2 और शुभ रंग ग्रे बन रहा है। उपाय के लिए माँ दुर्गा की अगर आप आराधना करते हैं दिन आपका अच्छा बीतेगा। मकर लग्न की बात करते हैं। देखिए, आपका आत्मविश्वास जो है वो बढ़ा चढ़ा रहेगा। स्वास्थ्य पहले की अपेक्षा मजबूत रहेगा। आर्थिक रूप से मजबूती आपको मिलेगी। पारिवारिक जीवन में कुछ उतार चढ़ाव कल के दिन लगा रहेगा। कार्य व्यवसाय में कुछ रुकावटों के बाद अच्छे परिणाम भी मिलेंगे। प्रेम प्रसंग में गंभीरता आएगी और शिक्षा के क्षेत्र में कहा जाए तो कुछ चुनौतियां भी कल के दिन मिल सकती हैं। पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा। 80% तक के लिए दिन अच्छा है। शुभ अंक 7, शुभ रंग मैरून बन रहा है। शिवलिंग पर जल से अभिषेक कीजिए। कल का दिन अच्छा रहेगा। कुंभ लग्न की बात करते हैं। देखिए, कल का दिन मिला जुला रहेगा और स्वास्थ्य में भी उतार चढ़ाव लगा रहेगा, इसलिए स्वास्थ्य पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। कार्य व्यवसाय में कुछ मुश्किलें बढ़ सकती हैं और परिवार का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। आर्थिक स्थिति को लेकर कुछ निर्णय ले सकते हैं। शिक्षा को लेकर थोड़े चिंतित भी हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन हालांकि अच्छा रहेगा। कुल मिलाकर 80% तक का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ अंक 6, शुभ रंग आसमानी बन रहा है। जरूरतमंदों की अगर सहायता करते हैं तो कल का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। अंतिम लग्न मीन लग्न की बात करते हैं। देखिए, कल का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं खत्म होगी। परिवार में खुशियों का माहौल बना रहेगा।
धार्मिक कार्यों की योजना भी आप बना सकते हैं और जीवन साथी आपकी इसमें सहायता भी कर सकते हैं। लंबे समय से रुका हुआ धन मिल सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण निर्णय कल के दिन लेना पड़ सकता है। किसी भी प्रकार का निवेश कल के दिन ना करें। 86% तक का दिन अच्छा रहेगा। शुभ अंक 9 शुभ रंग नारंगी बनता है। कल के दिन हनुमान मंदिर में जाइए और बूंदी के लड्डू अगर हनुमान जी को चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं, तो कल का दिन अच्छा रहेगा। तो ये था कल 30 नवंबर 2023 कैसा बीतेगा। अभी के लिए इतना ही। आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।